कोई और बच्चा है जो होमवर्क चेक कराएगा अपना? चलिए तो अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? सर देख और मैथ्स लो। में भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी क्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं और अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। तो बेटा मैंने पिछले क्लास में समांतर, समझना बेटा, समांतर, चतुर्भुज, ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप एवं इसका देख क्षेत्रफल लो। निकालना, ठीक है बेटा मैं देख लेता हूँ। हाँ एक सेकेंड। हाँ दिव्या, देखो सर। गुड गुड, लेकिन ये तो सर्कल का है। आप जो पिछला क्लास हुआ था उसका होमवर्क चेक कराओ, पिछले सर पिछला क्लास। नहीं करा सर मैंने, अभी कर क्यों लूंगी पिछला नहीं सर, किया? मैं कर क्यों? लूंगी पर मेरी सिस्टर बता दी सर, ठीक मेरे है समझ में तो, नहीं आता इसीलिए नहीं करा। ठीक है तो आज के बाद से जो भी होमवर्क मिलेगा उसको करके आइएगा, ठीक है? बढ़िया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था पिछली क्लास में? तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जाना था। अब समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम होता क्या है, इसको समझिएगा। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। ए बी सी डी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ठीक? तो बराबर और समांतर होती हैं। अब इस वाली आकृति को आप समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बोल देते हैं, लेकिन अगर इसके परिमाप के बारे में बात करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका ये परिमाप, ठीक है, मान लेते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ठीक है बच्चों, ओके। चलो अब सर देखो फिर ये से कोई एक बार आप, रिवाइजेशन करो ना। हाँ ये रिवाइज ही हो रहा है बेटा, ये जो चीजें हैं वो रिवाइज ही हो रही हैं, आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज का परिमाप बता रहे हैं। अब वह कितना होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार गुणे क्या होता है? शीर्ष लंब। अब आप कहेंगे सर ये शीर्ष लंब क्या होता है? तो इस वाले शीर्ष से यानी बिंदु डी से इसके आधार पर डाले गए लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये वाली जो रेखा होगी या ये वाला जो भाग होगा रेखा का, वह क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो अगर हमें इसका मान मालूम है और इसका यानी कि जो आधार है इसका मान मालूम है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो हम लोग क्षेत्रफल इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब परिमाप के बारे में मैंने बता ही दिया, तो क्या आपको ये क्लियर हो गया? अगर ये बातें क्लियर है तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो दिव्या आपको क्या नहीं क्लियर है, क्या नहीं समझ में आया बताइए। दिव्या के नाम से जो बच्ची है, बताइए आपको क्या दिक्कत है? सर दोबारा समझा दो, ठीक है मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या सिखाया, मैंने इसके परिमाप के बारे में बताया, किसके? समांतर चतुर्भुज के परिमाप के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए बस। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है इसका सूत्र लंबाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई।
और समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, वो कितना होता है? वो होता है आधार इनटू शीर्षलंब। अब इस शीर्षलंब क्या होता है, इस चीज को देखिए। शीर्षलंब एक प्रकार की ऊंचाई है जो कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। कोई थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे करना चाहिए। चित्र जो है थोड़ा सा तिरछा बन गया था, देखो अभी ठीक है। ए बी सी डी, इस ग्रीन वाली लाइन को देखो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना बेटा, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। किस पे? आधार ए बी पर। तो ये इसका आधार कहलाएगा, आधार। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? इसका शीर्षलंब कहलाएगी, यानी ये इसकी ऊंचाई है। क्या आपको अब क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है? ओके नायमा, ओके ठीक। चलो सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, ओके बेटा। चलो तो अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। यह पिछले ही क्लास के ऊपर आधारित सवाल है जो कि मैंने अभी आपको रिवाइज भी करा दिया, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसका उत्तर, ठीक है, सही सही बताएंगे। अब वह उत्तर आपको कहां बताना पड़ेगा? तो वह उत्तर बताना पड़ेगा आपको पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर लिखिए। सर ये क्वेश्चन बताना कौन सा है? सर चलो बच्चों अब इसका उत्तर करो आप लोग चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में। ओके ओके मुस्कान, ठीक है। चलो अब इसका हल देखते हैं। देखो लिखा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी 7 सेंटीमीटर है और एबी 9 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है? आपको इसका परिमाप बताना है। इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो परिमाप होता क्या है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई आप देखेंगे तो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई देखेंगे तो वह कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 9 और 7 कितना होता है बेटा? 16 होता है। और 16 का गुणा 2 में कर दीजिए कितना आता है? 32 आता है, यानी कि 32 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर ए सही होगा। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आ गया?
गुड बेटा, गुड। ओके चलो, सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हाँ इसका जो विकल्प ए है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी स्क्रीन पे एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसको हल करने का प्रयत्न करिए और हल करने के बाद इसका उत्तर आप लोग कहां पर देंगे, तो इसका उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। आराम से बेटा इसको हल करो, कोई भी जल्दबाजी मत करना। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। बढ़िया, और भी जितने बच्चे हैं इसका उत्तर कर सकते हैं, कहां पर, पोल सेक्शन में। एनके के नाम से जो बच्चा है, क्या पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? एनके, क्या नाम है तुम्हारा? ये एनके के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका? माइक ऑन करके बताओ। सर, रिजल्ट कब दिखाओगे? अभी दिखाऊंगा, कुछ पूछना है आपको? नो। तो ये बार बार हाथ वाले आइकन पे क्लिक मत किया करो बेटा, ठीक है? चलो, अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो लिखा है कि यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और एक भुजा पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो पी क्यू है ना बेटा, यह 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करो। तो बताओ अगर यह 8 सेंटीमीटर है तो यह भुजा कितनी होगी, ये भी तो 8 ही सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की खास बात यही होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये जो एस पी है, ठीक है, मान लेते हैं एसपी का जो लंबाई है वो एक्स सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से, ठीक है बेटा, उस हिसाब से ये जो आर क्यू है इसकी लंबाई कितनी होगी, एक्स सेंटीमीटर ही होगी। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, समझना बेटा, इस समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान देखो सवाल में दे रखा है कितना, 48 सेंटीमीटर, तो 48 यहाँ पे रख दीजिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई। अच्छा देखो लंबाई का मान तो हमें मालूम है ना, तो लंबाई का मान अगर मालूम है तो रख देंगे, लंबाई का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की जगह पे क्या हम लोग रख सकते हैं, यक्ष रख सकते हैं। ठीक, अब देखना 48 को 2 से भाग देना पड़ेगा। देखो इसी सवाल को अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना बेटा, 48/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा इस प्रकार से। तो 48 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, तो 2 4 यानी 24 आएगा, तो 24 बराबर 8 + x, अतः यक्ष का मान क्या होगा, तो 24 - 8,
24 में से 8 घटा दो, कितना होता है बेटा? 16 होता है। तो x का मान कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। यह 16 सेंटीमीटर, यह 16 सेंटीमीटर। तो बस हम लोगों को मान निकल गया कि क्या क्या होगा। अब देखो लंबाई हमें निकालना था, तो क्यू आर की लंबाई कितनी होगी? आप इस चित्र के माध्यम से देख करके बता सकते हैं कि क्यू आर की लंबाई 16 होगी। आर एस की लंबाई कितनी होगी? आर एस की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। एस पी की लंबाई कितनी होगी? एस पी की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। क्या सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हैं? ठीक है, ये बातें क्लियर हैं बेटा। तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो आप देखोगे इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन पोल सेक्शन ऑन कर दिए, तो सारे बच्चे इसका उत्तर कर सकते हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर कर सकते हैं कहाँ पर? पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैंने पोल सेक्शन डिलीट कर दिया, लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर दिया। इसका उत्तर बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताओ। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार गुणे क्या होता है? शीर्ष लंब। अब आधार का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब का मान कितना है बेटा? तो 8 सेंटीमीटर। तो 9 और 8 का मान रख देंगे आप और गुणा करा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए बच्चे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 72 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर में बहुत अंतर होता है। इसका मतलब इसका जो मात्रक है वो इकाई मात्रक है, लेकिन इसका ये जो मात्रक है वो क्या है? वर्ग इकाई मात्रक है। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल का जो मान आता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है, और अगर मान लीजिए परिमाप आ रहा है तो हमेशा वह इकाई मात्रक होता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ए ना होकर के सी होगा। गुड साहिल, गुड। सेंटीमीटर स्क्वायर। के तो सही विकल्प कौन सा होगा? बेटा माइक बंद रखो। सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। क्लियर है? गुड, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आयत के परिमाप के बारे में और इसके क्षेत्रफल के बारे में। ये हम लोग का न्यू टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? इंग्लिश में एक बार बता देता हूं मैं।
तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आयत के परिमाप के बारे में। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो सबसे पहले जान लेंगे कि आयत होता क्या है। तो देखो बेटा, आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समान नब्बे। होती मतलब इसकी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा माइक मत ऑन करो, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा अभी। देखो यहां पे ये वाली चीजें इसकी लंबाई कहलाएंगी और ये वाला जो लाइन है या ये वाला जो भुजा है इसका चौड़ाई कहलाएगा। तो आयत का एक यूनिक बात ये होता है कि इसकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, अर्थात ए बी बराबर होगा सी डी के, और जो इसकी चौड़ाई है अर्थात बी सी बराबर होगा ए डी के। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ठीक, चलिए एक चित्र बना हुआ है, इसमें हम लोग मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है ए है और चौड़ाई क्या है बी है। तो उस हिसाब से बेटा इसका जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसकी चारों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। अब चारों भुजाओं का क्रम से नाम क्या क्या है? देखो तो पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी, और तो और चौथी भुजा क्या हो जाएगी? डी ए हो जाएगी। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको जोड़ दिया इस प्रकार से। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या पाओगे? सारे लोगों का मान रख दो, यानी ए बी का मान, फिर बी सी का मान, फिर सी डी का मान, फिर डी ए का मान। तो ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है, सी डी का मान ए है और डी ए का मान बी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यानी कि यह दो बार आया है, तो 2A हो जाएगा। इसी प्रकार बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। दो यहाँ भी देख सकते हो, दो यहाँ भी देख सकते हो, कॉमन ले लोगे आप। तो दो ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ए को हम लोग लंबाई बोल रहे थे, बी को हम लोग चौड़ाई बोल रहे थे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या यहां तक आपको क्लियर है? क्या यहां तक आपको क्लियर है? ओके गुड। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो बेटा देखो कोई भी लंबाई गुणा आयत चौड़ाई। भी, जी हाँ, तो कोई भी आयत जितना भी स्थान ग्रहण करता है, ठीक है, जितना भी स्थान इसके द्वारा लिया जाता है उसी स्थान को हम लोग इसका क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। चलो मान लेते हैं यह इसका नाम है पी क्यू आर एस, या एक इसका क्या है आयत का नाम है पी क्यू आर एस। तो इसके द्वारा स्थान जो ग्रहण किया गया है वही स्थान इसका क्या कहलाएगा? तो क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मान लेते हैं एक आयत है ए बी सी डी और उसमें लंबाई ए स्मॉल ए मतलब दे दी गई है और जो चौड़ाई है वो इसको स्मॉल बी से दिखाया गया है। तब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब लंबाई का मान क्या है? स्मॉल ए, और चौड़ाई का मान क्या है? स्मॉल बी। तो लंबाई की जगह पे ए रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे बी रख देंगे, इसीलिए इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा बच्चों क्या बनेगा? ए गुणे बी बनेगा। क्या आपको इसका क्षेत्रफल समझ में आ गया? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। क्लियर है? ओके ओके ठीक है। तो आप एक सर बात ये बताओ। पिछली क्लास में भी समझाया गया है। हाँ जी सर एक ये बार पिछली दोबारा क्लास समझा में दो। भी। ठीक है मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अब मैंने क्या बोला? मैंने देखो आयत के बारे में बताया। आयत क्या होता है? आयत इस प्रकार की एक आकृति होती है, ठीक है, इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यानी ये वाली लंबाई अपनी इस वाली लंबाई के बराबर और ये वाली चौड़ाई
इस वाली चौड़ाई के बराबर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि यह कितने स्थान तक फैला हुआ है, कितना यह स्थान ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई की जगह पे स्मॉल ए रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे बी रख देंगे, इस प्रकार से। यही आपका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं आपका रिजल्ट है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसको सोचना करने के लिए। मान लेते हैं मैंने बोला कि इसकी जो लंबाई है बेटा, ठीक है, इसकी जो लंबाई है आयत की, वो है 11 सेंटीमीटर, और इसके चौड़ाई का मान है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से इस वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ, इस वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। सबाना बोल रहे कि सर इसका उत्तर आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे बताएंगे, ठीक है, बढ़िया। तो यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। सारे बच्चे सहमत है इस बात से। तो देखो कैसे आ रहा है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई का मान यहाँ पे 11 रख देंगे, चौड़ाई का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, और अब गुणा करा देंगे। तो 11 का गुणा 3 में कराओगे तो क्या होगा, 11 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह आपका उत्तर होगा फाइनल। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत नहीं है ना, गुड, ओके बेटा। चलो अब आप कुछ प्रश्नों को हल करिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ठीक है बेटा, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए। चलिए अब इसका उत्तर बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। ओके बेटा, गुड। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बेटा, सब लोग बताना जरा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे, और दिखाई अगर दे नहीं रही है तो सर। एन। यस सर, दिख रही है जी। ठीक है, आप क्या करवा रहे हो वो भी नहीं दिख रहा। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो दिव्या, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्या पता चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि सारे बच्चे बोलने दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी, पूरी उम्मीद है। देखो बच्चों, हम लोग क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप का मान क्या होता है, आप खुद बताइए। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, और उसका आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से। लंबाई का जो मान है कितना है, 8 है, चौड़ाई का मान कितना है, 7 है। तो 8 और 7 को जोड़िए, तो 8 7 होता है कितना बेटा, 15। ठीक, अब 15 का गुणा कर दीजिए 2 में, यानी कि 15 दुना 30, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी।
सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हुई? सर मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा सर, आप क्या समझा रहे हो? दिव्या, मैंने तुमसे बोला ना क्लास को एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। मैंने क्लियर फिर भी नहीं दिखाई दे रहा सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी बच्चे देख पा रहे हैं, अगर आपकी तरफ से दिक्कत है इसका मतलब नेटवर्क का इशू है। एक बार एयरप्लेन मोड लगाओ अपने फोन में, ठीक है? एक बार एयरप्लेन मोड लगाओ, उसके बाद से क्लास को रिज्वाइन करो, उसको ठीक करने के बाद। क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि असर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज भी आ रही है। चलो बच्चों, आपने देख लिया होगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब इस वाले प्रश्न को हल करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों। इस वाले प्रश्न को सभी बच्चे अब हल करेंगे। बच्चों मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है, लेकिन पोल सेक्शन ऑन है, तो सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं आपका चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं। जिन बच्चों को इसका उत्तर मालूम है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। चलो अब इसको हल करते हैं। लिखा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 9 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। अभी को मैंने आपको सिखाया कि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। अब यहां पे देखो तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 72, ठीक 72 दे रखा है। लंबाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। इसलिए चौड़ाई बराबर 72/9, तो 72 को 9 से भाग दे दो बेटा, कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि इसकी चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? अगर ये सवाल आप क्लियर है तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखेंगे। बच्चों ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको हम लोग सीखना स्टार्ट भुजा करते हैं बच्चों। गुणा भुजा कहते हैं, हाँ जी वो बता सकते हो कि कौन करा रहा हूं तो कर दो। सर, इसे इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा है। बढ़िया बढ़िया, वो ठीक नहीं कौन था लावा ओके। आपका तो और अगर क्या आपको मालूम है तो बोलेंगे बेटा मान रहो, ओके क्लास को अच्छे से ज्वाइन करो चला। बस, ठीक है? क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सर हमको पता था इसलिए हमको बता दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है वर्ग का परिमाप। क्या होता है वर्ग, इसको सीखेंगे। देखो बच्चों,
वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी डी। यहाँ पे एक आकृति बनी हुई जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं। और तो और बच्चों, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसका प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि वर्ग क्या होता है? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे। ठीक है साहिल, ओके ओके गुड। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने ए मान ली है, ए। और एक बात बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता ही क्या है? परिमाप का मतलब होता है जो भी भुजाएं हैं उनका योग। ये वाली ए है और ये वाली भी क्या है? ए है, चारों ए है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा कि नहीं होगा? यानी ए को कितनी बार लिखा गया? चार, यानी कि 4 × a आएगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 4 × a। क्यों? क्योंकि यही जो भुजा है वो कितनी बार आ रही है? 4 बार। तो इसको आसान भाषा में लिखा जा सकता है 4 × भुजा। देखो अगले वाले पेज पे यही समझाया गया है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वर्ग का परिमाप बच्चों कितना हो जाएगा? तो 4 × भुजा हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे। यस, फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने वर्ग के परिमाप के बारे में देखा। ठीक है, मीना देवी बताइए आपको क्या दिक्कत है बेटा, माइक ऑन करके बताइए, मीना के नाम से जो भी बच्ची है। सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो है क्या, आपको पूछा है कि इसका वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप देख सकते हो चारों ही भुजाएं क्या है, स्मॉल ए है। इस प्रकार से जब चारों ही भुजाएं भुजाएं स्मॉल ए है, इसका मतलब PQ+QR+RS+SP होगा कि नहीं होगा? तो आप प्रत्येक का मान रख दीजिए। PQ का मान ए है, QR का मान भी ए है, RS का मान भी ए है, और तो और SP का मान भी ए है। बच्चों ये कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है, तुम आप यहाँ पे देख लो। ये भुजा PQ, ये भुजा QR, ये भुजा RS और ये वाली भुजा SP। तो इन चारों को ही जोड़ा जा रहा है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आप चार को आप कितनी बार जोड़ रहे हो, सॉरी ए को कितनी बार जोड़ रहे हो? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? 4 × a हो जाएगा। और ए को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? भुजा तो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह ए जो है ये भुजा ही तो है, यानी साइड ही तो है। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो सूत्र बनेगा, यानी कि वर्ग का जो परिमाप बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए। 4 × भुजा। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये क्लियर है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो वाई लिखिए। दिव्या एक बार तुमसे बोल रहे हैं, क्लास में डिस्टरबेंस ना करो। विशाल के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद करो अपना, चलो बंद करो माइक। अब सारे बच्चे इसी तरीके से म्यूट रखेंगे अपनी माइक को, कोई भी ऑन नहीं करेगा।
चलो अब हम लोग सीखते हैं वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? देखो, जो भी वर्ग है, जितना भी स्थान वो ग्रहण करता है या उसके द्वारा लिया गया स्थान क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पर। मान लो इस प्रकार से मैंने एक वर्ग बना दिया, ऐसे, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब आपको क्या बताना है? इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझ लो कि किसी भी वर्ग के द्वारा घेरे गए स्थान को ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, चलो मान लेते हैं एक वर्ग है जिसकी एक भुजा है ए, तो चारों ही भुजाओं का मान क्या हो जाएगा? स्मॉल ए ही तो होगा। क्यों? क्योंकि चारों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? पहले इतना बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर ठीक है। तो अब देखना हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में सीख रहे हैं। तो जब चारों ही भुजाओं का मान ए है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो क्या आता है? भुजा गुणे भुजा है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का बेटा, समझना, वर्ग का क्षेत्रफल देखो बेटा क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों ने भुजा का मान क्या माना है? स्मॉल ए माना है। तो ए का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह सूत्र आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, इस सूत्र को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलो बताओ, इतना क्लियर हुआ? ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ सवालों को करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब इसका उत्तर करिए आप लोग कहाँ पर? पोल सेक्शन में। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। देखो इसमें दो सवाल है। सर मेरे ठीक है बेटा, पास मैं थोड़ा सा पोल का समझा देता ऑप्शन हूँ, नहीं इसमें आ दो सवाल है रहा। क्या? ठीक है, अगर आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो अभी आप कमेंट करके बता देना जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। देखिए यहाँ पे दो सवाल है, एक तो वर्ग का परिमाप निकालना है, दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में बेटा। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से आएगी? स्क्रीन दिखाई भी दे सर, क्या आंसर लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है सर आपने? अच्छा रुको, मैं बात करता हूँ। दिव्या बार बार डिस्टर्ब कर रही है, क्या कह रही है ठीक है मानसी? सुनो, यहाँ पे लड़ाई नहीं करना अभी। तुम लोग को मैं क्या बताऊं, तुम लोग को मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। रुको, यहाँ पे डिस्टरबेंस जो कर रहे हो तुम लोग, क्लास से बाहर।
अब क्लास को डिस्टर्ब करके दिखाओ कोई, तब बताता हूं मैं। यहां पे आप लोग पढ़ने आए हैं, पढ़िए ठीक है, बदमाशी मत करिए। चलो बच्चों इसका उत्तर करो आप, इसका उत्तर करो आप लोग अब चैट बॉक्स में। ठीक है अब इसका हल देखते हैं बच्चों, ठीक है अब इसका हल देखते हैं कि आखिर इसका हल क्या होगा। देखो तो यहां पे लिखा है आपको दो सवाल, पहला तो वर्ग का परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल, जबकि क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बात बताओ, जो वर्ग का परिमाप होता है वह क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, होता है ठीक। सभी बच्चे यहां तक देख लेंगे, ये मैं पहला सवाल लगा रहा हूं जो कि क्या है, वर्ग के परिमाप के बारे में। 4 का गुणा भुजा में कर दो, भुजा की लंबाई कितनी है, 8 है, तो 8 गुणे 4 कितना होता है, तो 32 सेंटीमीटर आएगा इसका उत्तर। तो परिमाप का उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, तो परिमाप का उत्तर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है इसी में क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो भुजा की लंबाई दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 8 का गुणा 2 बार, 8 गुणे 8, और 8 गुणे 8 करेंगे क्या आएगा, 64 आएगा, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा उत्तर है क्षेत्रफल के लिए। तो बताओ बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप देखने पर पाएंगे कि विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, बाकी के जो आंसर हैं वे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया, अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से, तब हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब बात करें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्या होमवर्क अभी चेक करूंगा साहिल, अभी चेक करूंगा होमवर्क ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। मान लो यह एक वर्ग है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, ठीक है मान लेते इसका क्षेत्रफल है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए इसका भुजा कितना होगा, यानी इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, इस सवाल को आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका। सवाल बहुत ही सीधा सा है, सवाल में दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है वर्ग की भुजा कितनी होगी। गुड सबाना, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बच्चे। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका उत्तर 25 सेंटीमीटर आएगा, वेरी नाइस, क्या बात है। जब आप लोग सही सही उत्तर देते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों। देखो आपसे बोल दिया गया है कि क्षेत्रफल कितना है, 625 है। चूंकि आप जानते होंगे जो क्षेत्रफल होता है उसका मान क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ठीक, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, और यह किसके बराबर है, तो 625 के बराबर है। देयरफोर या इसलिए भुजा का जो मान होगा वो क्या होगा, देखो बेटा ये स्क्वायर है ना, तो जब अपना साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा।
इसलिए भुजा का मान कितना आएगा? रूट में जो 625 लिखा हुआ है, इसका जो उत्तर आता है कितना आता है? 25 आता है। तो भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। भुजा मतलब क्या होता है, सॉरी, भुजा का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इस वाले सवाल के लिए क्या सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हुई? सर ये रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब एक्चुअली क्या है ना, कि आपको उसका वर्गमूल लेना है। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं वर्गमूल लेना। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझो बेटा। देखो, मान लो अगर लिखा हुआ है 9 का रूट इस प्रकार से, इसका मतलब ये 9 का हम लोग वर्गमूल ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी क्वांटिटीज खोजनी होती हैं, ठीक है, जिनका दो बार गुणा करा दें आपस में और वह उतना आ जाए। तो आप देखो, 3 का गुणा 3 में कराओगे क्या आएगा? 9 आएगा। अब होता क्या है कि रूट जो करता है, एक लोगों को खा लेता है, बस इतना समझ लो कि एक लोगों को गायब कर देगा। अगर दो लोग हैं तो गायब कर देगा, जब एक लोगों को, सिर्फ एक लोग बचेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आपने लिखा है 25, रूट में 25, तो इसको 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और रूट का काम क्या है कि एक लोगों को हटा देना। ठीक है, तो जब एक लोगों को हटा देगा इस 5 गुणे 5 में से, तो कितने लोग बचेंगे? सिर्फ एक लोग बचेंगे। तो रूट में 25 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्गमूल। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखो, मान लो एक वर्ग दे रखा है, ठीक है बेटा, एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से। अब इस वर्ग की मान लेते हैं परिमाप दे रखा है, परिमाप, ठीक है, इस वर्ग का पर जो परिमाप है, सपोज डैट दे रखा है आपको 74 सेंटीमीटर, तो बताइए वर्ग की भुजा कितनी होगी? बताइए बच्चों, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबाना ने आंसर किया, सर इसका उत्तर आएगा 18.5 सेंटीमीटर। ओके, पवन भी बोल रहे हैं कि ठीक है सर, 18.5 सेंटीमीटर आएगा। राहुल का भी आंसर यही है, यानी बाकी बच्चे भी यही बोल रहे हैं कि सर 18.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो देखो बेटा, इसको हल कैसे करेंगे? चूंकि आपको परिमाप दे रखा है ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है आप बताओ? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और इसका मान दे रखा है कितना? तो इसका मान है 74। इसलिए भुजा बराबर क्या होगा? 74/4, भाग दे दो। ठीक, इसको जब भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, और हासिल यानी कि 3 कैरी करेंगे। ठीक, 4 8 32, 2 हो जाएगा यानी कि 4 5 20। 18.5 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। हमने क्या किया? हमने बेटा 74 को 4 से भाग दिया है और कुछ भी नहीं किया है। आप यहाँ पे भाग देके देखोगे तो एक बार में जाएगा, 3 होगा यहाँ पर, ठीक, और ये 34 हो जाएगा। अब 8 चौक 32 होता है, तो आप 34 में से 32 को घटाओगे क्या आएगा? 2 शेषफल बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो 4 5 कितना होता है? 20 होता है, यानी ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हुई? अपने आप लेफ्ट हो रहे हो। अच्छा, एक बार क्लास को ऐसे ही रीज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, सारे बच्चों को क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहीं तक होगी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।
अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब होमवर्क भी नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको होमवर्क सॉल्व करता हूँ, अब मैं आपको होमवर्क सॉल्व करता हूँ, ठीक है।